हेलो एवरीवन, आज मैं आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ ये दूध की बहुत ही अच्छी वाली मिठाई। मेरी तो ये पर्सनल फेवरेट है, मेरे और मेरे हस्बैंड की। आपको पता नहीं कितना पसंद है, आई थिंक हर इंडियंस को ये पसंद है। यहाँ पे मैंने करीबन 3 लीटर अमूल दूध लिया है, उसे अच्छे तरीके से बॉयल किया है। बॉयल होने के बाद उसमें विनेगर डाला है और उस दूध को फटने छोड़ दिया है, जिससे कि आप देख सकते हो मीन्स अभी इसका दूध वाइट वाइट है। जैसे ही ये थोड़ा ग्रीनिश हो जाए मतलब दूध हमारा अच्छे तरीके से फट गया है। तो आप देख सकते हो दूध अच्छी तरीके से फट गया है। अब हम इस छेना को एक कपड़े में निकाल लेंगे और इसे इसका एक्स्ट्रा जो पानी है उसे निकल जाने देंगे। तब तक हम वापस से 2 लीटर दूध लेंगे, थोड़ा सा इलायची, बादाम का टुकड़ा, चीनी, बादाम मिक्स डाल करके दूध को थोड़ा गाढ़ा होने के लिए छोड़ देंगे। इसमें थोड़ा सा केसर भी डालेंगे। केसर के साथ साथ अगर आप चाहे तो हल्दी भी डाल सकते हैं, ये ऑप्शनल है। तब तक हमारा छेना रेडी हो गया है। हैंग करके आप रख देंगे तो छेना रेडी हो जाता है। इसमें थोड़ा सा शुगर डाल के हथेली से इस तरीके से अच्छी तरीके से इसका मैश करना है, ताकि ये जो डो है ना एकदम सॉफ्ट डो रेडी हो जाए। तो इसको थोड़ा सा, इस काम करने को थोड़ा सा मेहनत है। ये रेडी हो जाएगा तभी हमारे रसगुल्ला है ना वो सॉफ्ट सॉफ्ट बनेंगे। फिर हमने यहाँ पे छोटे छोटे बॉल्स बनाए हैं, मेरे बेटे ने मेरी मदद की है। अब इन बॉल्स को ना हम पानी में बॉईल करेंगे, पकाएंगे, और ये देखिए बॉल्स कितने फूल गए। इसे मलाई अब में हम इसे डालेंगे। हम